अहमद रज़ा ठाकरानी बड़ा वार्ड नंबर 11 रैरंगपुर से बोल रहा हूँ। आज मिलादुन नबी है। इस खुशी के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे नबी रसूल सल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो कुछ भी हमें उपदेश दिया था, आज हम देख रहे हैं कि वो सभी कुछ सही साबित हो रहा है। और उन्होंने जो कुछ भी हमें कहा था, आज हम देख रहे हैं कि वो हूबहू एक ही चीज़ चले आ रहा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि फिजूल खर्ची ना करो। उन्होंने पानी के बारे में कहा कि आप पानी का बर्बादी ना करो। उन्होंने खाने के बारे में कहा कि खाने का सामान को बर्बाद ना करो। उन्होंने कहा कि हमेशा गरीबों के ऊपर नज़र रखो। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम खाना खाओ तो कम से कम अपने पड़ोसी से पूछ लो कि वो खाया है कि नहीं खाया है। भाईचारा रखो, मिलजुल कर रहो, खुशहाल रहो। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हमें यही सब चीज़ की ज़रूरत है। आज हमें पानी की किल्लत है, आज हमें खाने की किल्लत है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने सभी से कहा था कि गरीबों की मदद करो। यदि हम करते रहें तो वो भी आगे बढ़ कर के हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हैं, लेकिन उनका उपदेश, उनका कहा हुआ सारा चीज़ आज हमारे सामने है। मैं आज अपने इस रैरंगपुर ठाकरानी बड़ा के सभी कमेटी की तरफ से मैं सारे देशवासियों को बधाई देने के साथ साथ ये कहता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा हम भाईचारा के साथ रहें। हम सभी ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, काली पूजा, मकर संक्रांति, ये सभी मिलजुल करके मनाएं, ताकि हमें एकता का सबूत मिलता रहे। हमारा देश सबसे महान है। सारे विश्व में हमारे देश में जो गणतंत्र है, ये हमारा बहुत मजबूत है। हमारे सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। हमारा ये हिंदुस्तान बिल्कुल एक बागीचा है, जिस बागीचा में तरह तरह के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका नाम बागीचा होता है। तो दोस्तों, आज के इस मिलादुन नबी प्रोग्राम में मैं आह्वान करता हूँ कि सारे देशवासी खुशहाल रहें, हमारा देश मजबूत से और मजबूत हो। कोई हमारी ओर आँख उठाकर नहीं देख सके, कोई भी हमारे देश की ओर आँख उठाकर देखेगा तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे देशवासी मिलकर उससे लड़ेंगे और हम कभी भी अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। आज हमारे देश में जो भुखमरी है, बेकारी है, तो दोस्तों सभी को अपना मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। बेकार बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। लोग सिर्फ नौकरी के ऊपर में ही ध्यान ना दें, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। एग्रीकल्चर हमारा सबसे अच्छा है, और अच्छा हो। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन के इस खुशहाल दिन में सारा देश खुश रहे। इतना कहकर मैं अपना वक्ता बंद करता हूँ। धन्यवाद।